इंद्र सचिन करीवाल वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर दैट इज केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। सो बेटा जी आपको पता होगा केमिस्ट्री गुरु फाउंडेशन ने अभी तक आपके लिए एक 10 का राउंड स्टार्ट किया है जिसे हम बोल रहे हैं 10 का दम। और इस 10 के दम में मतलब 10 दमदार क्वेश्चन आने वाले हैं भाई, जो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है अगर आप ये 10 क्वेश्चन कर रहे हैं सेम एज मैथमेटिक्स का और साइंस का स्टार्ट हो चुका है। 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन ऐसे आपके हैं कि जो एक्सपेक्टेड रहेंगे बिल्कुल बोर्ड में आने के लिए। सो आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करनी है, सारी वीडियो को देखना है। और आपको अगर नोट्स चाहिए इसके तो टेलीग्राम चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और वीडियोस के लिए यूट्यूब चैनल आपके लिए हमेशा वेलकम कर रहा है। तो चलिए दिल ना करते हुए हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। सो एसिड बेसिस सॉल्ट के बेटा जी 4 राउंड है और 4 राउंड में राउंड 1 स्टार्ट करते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो बेटा जी फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl टू द कॉपर ऑक्साइड, यानी अगर हम कॉपर ऑक्साइड में HCl को ऐड करते हैं देन सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन। ये सॉल्यूशन है वो ब्लू ग्रीन हो जाएगा। बेटा जी एक तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो भी क्वेश्चन आपका कलर चेंजेस के ऊपर आ रहा है तो कलर चेंजेस के ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपसे। मतलब बोर्ड में आपको जितने क्वेश्चन आने चाहिए ना वो सारे हो जाएंगे हमारे चैनल से। चलिए आप मेरे पे छोड़ दीजिए क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सिर्फ चैनल को देखिए वीडियोस कौन कौन सी आ रही है, कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसको फॉलो कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम आपके लिए हार्डवर्क करके लेके आ रहे हैं। मतलब पूरा दिन लगता है बेटा जी क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में, कौन कौन से एक्सपेक्टेड आने के चांसेस हैं, पूरे 10 ईयर्स का सैंपल पेपर, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारा कंक्लूजन एक ही राउंड में मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अब वो बोल रहा है जो ब्लू ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से है, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन कलर बेटा जी एक सोल्ट बनेगी, पहले देखते हैं यहां पे ये जो क्लोरीन है ये डिस्प्लेस हो जाएगा एंड इट फॉर्म CuCl2 यानी कॉपर 2 क्लोराइड। अच्छा कॉपर 2 क्लोराइड निकल गया है तो यहां से मॉलिक्यूल्स निकलेंगे आपके H2O के। अब ये जो ग्रीन ब्लू कलर हो रहा है बेटा जी ये किसकी वजह से हो रहा है, एक सोल्ट बन रही है CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड या कॉपर 2 क्लोराइड। तो यहां से हमारे पास सी ऑप्शन जाता है कॉपर 2 क्लोराइड पे, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट सभी सैंपल पेपर में आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन है हमारा बेटा जी विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट डज नॉट कंटेन वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसे हम बोल रहे हैं WOC। सो बेटा जी WOC का मतलब है कि किसी भी कंपाउंड में हाउ मेनी वॉटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड WOC यानी वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब देखते हैं सबसे पहले ब्लू विट्रियोल की बात कर रहे हैं। अगर आपको इसका नाम नहीं पता है तो इसका मैं केमिकल नेम बताता हूं, इसका केमिकल नेम बताता हूं तो वो है आपका कॉपर सल्फेट। और इसके साथ बेटा जी कितने हाइड्रेटेड लगे हुए हैं यानी कितने WC लगे हैं, 5। इसे बोलते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसे ब्लू विट्रियोल भी बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका कलर ब्लू होता है। चीनी के दाने से शुगर के जो बीट्स होते हैं ना ऐसा होता है, थोड़ा डार्क कलर होता है ब्लू कलर का। बेकिंग सोडा, बेटा बेकिंग सोडा में आपको पता है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं। वॉशिंग सोडा क्या होता है बेटा जी, ये वॉशिंग सोडा आपका इसको बेकिंग सोडा के डीकम्पोज करके हीट करके बनता है। तो सोडियम कार्बोनेट आ गया, उसके अंदर हम फिर ऐड करते हैं WOC, कितने 10। चलिए नेक्स्ट आपका जिप्सम। अब जिप्सम का फॉर्मूला बेटा जी आपको पता होना चाहिए कैल्शियम सल्फेट। अच्छा यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे कितने हाइड्रेट होते हैं, यहाँ हैमी का मतलब है हाफ। चलिए अब ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन में आपके पास किसके पास क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, मतलब WOC नहीं है। सो बेटा जी एक ही ऑप्शन आपके पास घूम फिर के आ रहा है यहाँ पे जिसमें वॉटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है, दैट इज बेकिंग सोडा। सो यही आंसर रहेगा आपका, बाकी सभी में आपके पास वॉटर मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, सिर्फ एक ऐसा है जिसमें बेकिंग सोडा में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को देखेंगे क्वेश्चन में क्या है, मैं आपको डायग्राम से स्टार्ट कराता हूं, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, देखो यहां से एक 6 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, ठीक है, एक बल्ब कनेक्ट है, स्विच है, ये सीरीज में चल रहा है, कहीं से भी ब्रेक नहीं है। अच्छा बीकर के अंदर क्या दिख रहा है आपको, यहां पर बीकर के अंदर ये 2 नेल लगाई हुई है कील, ठीक है, ये जो 2 नेल लगाई हुई है यानी ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर नीचे रबर कोर पे जो ये नेल्स लगाई हुई है सेपरेशन के लिए, इसके अंदर हमने सोल्यूशन में हमने जो लिक्विड है NaOH डाल दिया है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने से जैसे हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो बेटा जी आपको यह ध्यान रखना है
कि किसी भी सर्किट में, अब ये एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है, अब इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होगा बेटा जी, जैसे ही हम करंट पास करते हैं यहां से हमने ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। रीजन बीइंग बल्ब के ग्लो करने का एक ही रीजन है बेटा जी, जो भी हम इसके अंदर एसिड या बेस डाल रहे हैं, जो भी हम लिक्विड डाल रहे हैं, जो भी सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं, उसके अंदर आयंस प्रेजेंट है या नहीं। सो बेटा जी, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम डालते हैं इसके अंदर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक हो जाएगा सोडियम प्लस में एंड हाइड्रोक्साइड आयन में। सो बेटा जी, ये OH आयन इसके अंदर प्रेजेंट है और ये OH आयन ही रिस्पॉन्सिबल होगा कंडक्शन के लिए। सो देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है बेटा जी। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। बेटा जी, एसिडिक होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि एच आयन होंगे तभी कंडक्शन होगा। हाँ, एच आयन की वजह से कंडक्शन होता है, बट एच आयन की अगर हम प्रेजेंस नहीं देख पा रहे हैं तो और क्या रीजन देख सकते हैं हम, वहां पे OH आयन देखेंगे। सेकंड इज, बल्ब विल ग्लो बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निशेस आयन फॉर कंडक्शन। डेफिनेटली यही मिलेगा बेटा जी, ये आपका सही आंसर है, क्योंकि NOH ब्रेक होके आयंस प्रोड्यूस करेगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं बेटा जी, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। नहीं बेटा जी, सर्किट पूरा कंप्लीट है तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं थर्ड। फोर्थ, बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट्स डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। नहीं बेटा जी, ऐसा भी कुछ नहीं है आपके पास कि ये सॉल्यूशन पे डिपेंड कर रहा है, ये सिर्फ आंसर रहेगा इसका सी, दैट इज द सेकंड ऑप्शन, यानी बल्ब आपका ग्लो करेगा NOH की वजह से, जो आयंस प्रोड्यूस करेगा। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं हम बेटा जी। नेटल सिंह, नेटल सिंह नहीं आएगा तो यहां पे बी आ सकता है या आंट आ सकता है, याद रखना, यहां पे आंट भी दे सकता है बेटा जी, बी भी दे सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, यानी अब आंट बाइट करती है या बी बाइट करती है तो बेटा जी वहां पे कौन सा एसिड इंजेस्ट होता है जिसकी वजह से पेन होता है, मतलब बीरड़ अगर काट जाती है, ठीक है, चीटी काटते तो हमें पेन होता है, थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाता है, तो स्वेलिंग और इरिटेशन का कोज क्या है? तो बेटा जी, व्हेन दे बाइट देन दे इंजेस्ट मेथानोइक एसिड इनटू द स्किन। अगर मेथानोइक एसिड आपको नहीं मिलेगा तो यहां पे मिल सकता है बेटा जी फॉर्मिक एसिड, दोनों सेम ही होते हैं बेटा जी, ठीक है, फॉर्मिक एसिड और मेथानोइक एसिड। फॉर्मूला वैसे आपको नहीं देगा, ये कार्बन कंपाउंड में होता है, आपका चैप्टर फोर है जो आपका टर्म टू का सिलेबस है, तो वहां पे हम करेंगे इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन इन क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। बेटा जी, क्लोर अल्कलाई प्रोसेस मैंने वन शॉट में पूरा क्लियर किया हुआ है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ इसमें हम क्या यूज करते हैं, ब्राइन, और ब्राइन के ऊपर भी हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, और ये वन शॉट जो भी अपलोड हो रहे हैं इसमें ब्राइन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो आपको कमेंट करना है, वो क्वेश्चन मैं सिर्फ आपके लिए छोड़ूंगा, और जो वीडियोस अभी देख रहे हैं वो मुझे अभी कमेंट करेंगे वीडियोस में कि ब्राइन क्या होता है। चलिए, ब्राइन से क्या होता है, ब्राइन बेटा सलाइन वाटर, सलाइन में अब आपका आ गया सोल्ट, तो यहां पे सोल्ट सभी में दिया हुआ, देखो NaCl 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 वाटर भी दिया हुआ है, बट देखते हैं प्रोडक्ट साइड में, बेटा प्रोडक्ट साइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड सब में दिया है, ठीक है, बट हमें डिफरेंस कैसे पता लगा कि क्लोर अल्कलाई प्रोसेस कौन सा है। बेटा क्लोर अल्कलाई प्रोसेस की एक इंडिकेशन है कि वो सारा एक्वस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, अब एक्वस फॉर्म में आपको सिर्फ बी ऑप्शन में दिख रहा है, NaCl एक्वस फॉर्म में है, ठीक है, H2O 2H2O भी आपका एक्वस फॉर्म में है, और सेम आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है दैट इज ऑल्सो इन एक्वस फॉर्म, सो इट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन और है आपका 10 के दम का, 6 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ, बेटा जी टूथ एनिमल पीएच का आपका डेली लाइफ का एक एग्जांपल है, और मैंने वन शॉट में इसकी बहुत सारे एग्जांपल दिए, 5 एग्जांपल दिए, 5 में से डेफिनेटली आपको एक ऑप्शन जरूर मिलेगा। तो टूथ एनिमल बेटा जी क्या है, टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ, सो बेटा जी आपके जो टूथ बने होते हैं जो कैल्शियम फॉस्फेट के होते हैं, और जब हम फूड को बाइट करते हैं और गार्गलिंग नहीं करते हैं या ब्रश नहीं करते हैं, सो दैट फूड पार्टिकल गेट स्टिक विद आवर टीथ एंड मेक इट एसिडिक, और वो एसिडिक की वजह से ही टूथ कैविटी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, यानी कैल्शियम फॉस्फेट में कैविटी आ जाती है, कैविटी आपको पता ही है, और इसका सोल्यूशन भी पता है, मीन्स हमारा अगर टूथ एसिडिक हो गया तो एसिडिक को नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए व्हाट यू यूज, बेस, यानी जो भी हम टूथपेस्ट यूज करते हैं वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। रेन, बेटा जी रेन के ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, रेन का क्वेश्चन आपका केस बेस्ड स्टडी में भी आ रहा है,
रेन का क्वेश्चन आपका अजर्शन रीजन में भी आ रहा है, और स्टैंड अलोन क्वेश्चन जो आप चल रहे हैं आपके अभी इसमें भी आ रहा है। सो बेटा जी, रेन इज कॉल्ड एसिडिक रेन व्हेन इट्स पीएच, तो हमेशा याद रखना है कि एसिडिक रेन तब होगी जब इसका पीएच 5 से लेके 5.6 तक होगा। यानी अगर 5 से लेके 5.6 तक की कोई भी वैल्यू आपको दी है तो वही आपका आंसर रहेगा, दैट इज सी ऑप्शन। बेटा जी अगर आपको सी भी नहीं दिया, अगर 5.6 नहीं दिया है, ठीक है, तो ऑप्शन वहां पे देगा कि जब वाटर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ज्यादा ऐड हो जाते हैं एक्सेस में, तब इसका पीएच 5.56 से भी नीचे गिर जाता है एंड इट बिकम 4.0 एंड इट इज मोर एसिडिक। सो जब जो आपको ऑप्शन दिए बेटा जी, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना है आपको कि कितने ऑप्शन गिवन है, कौन सा ऑप्शन गिवन है और क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास फोर ऑप्शन नहीं है, ना ही उन्होंने सल्फर डाइऑक्साइड की बात करी है, बट आपको पता है कि जो एसिडिक रेन है उसका पीएच 5 से 5.6 तक होता है, तो दिस इज पीएच फॉल्स बिलो 5.6। एग्जैक्ट आंसर अगर देखते हैं तो आपके एनसीईआरटी में, अगर देखते हैं हम तो एनसीईआरटी में आपको ये दिया होगा 5 से लेके 5.5 तक, ठीक है। सो ऑप्शन तब भी हमारे पास सी ही आता है, ठीक है। आपको ये दो कमेंट जहां पे भी दिख जाएंगे एसिडिक रेन के लिए, इट विल बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, फेनोल पिथाइलिन और मिथाइल ओरेंज पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं इंडिकेटर्स पे। सो बेटा जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका एक बेस है, और बेस की अगर हम बात करते हैं और फिनोल फिथाइलिन ऐड करते हैं, तो फिनोल फिथाइलिन बेटा जी पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो आंसर विल बी ए। अगर यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ना हो के कोई एसिड होता, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता, सो ये सॉल्यूशन हमारा कलरलेस होता एसिडिक के लिए, बट हमारे लिए यहां पूछा है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है, सो बेस में बेटा इट विल बी पिंक, तो ए आंसर के साथ जाएंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। एग शेल, मैंने आपको वन शॉट में बताया था बेटा जी, एग शेल के ऊपर या कैल्शियम के ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना आपने। सो एग शेल इज मेड अप ऑफ, बेटा जी एग शेल इज नथिंग, इट इज अ कैल्शियम कार्बोनेट आपका, जिसे आप लाइमस्टोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखना। कैल्शियम के ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस पे भी पूरे चांस रहेंगे आपके। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 10 के दम का, और आज हमारा फर्स्ट वीडियो का राउंड वन कंप्लीट होने वाला है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं बेटा जी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब 7 to 8 ईयर एक्सपीरियंस हो गया है मुझे टीच करते हुए साइंस का, और जब मैं स्टूडेंट था ना तब भी एनसीईआरटी का ये टॉपिक बिल्कुल सेम था, और बच्चे ना 95% बच्चे इसी में गलती करते हैं। गलती क्यों करती है, क्योंकि वो इसका प्रोडक्ट नहीं बना पाते हैं, 95% बच्चे गलत करते हैं। अभी भी जैसे मैं टीच कर रहा हूं, तो जब क्वेश्चन देता हूं तो बच्चे इसमें इसका प्रोडक्ट नहीं बना पाते, मतलब आपके लिए तो बहुत ही कंफर्टेबल जोन आ गया कि आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा है ऑप्शन में, बट पहले जब ये आपका डिस्क्रिप्टिव मोड था तो वहां पे बच्चे इसमें से स्पेलिंग, मतलब आपका जो कंपाउंड बनाना था प्रोडक्ट में, वो गलती ही करते हैं। सो मैं आपको बता देता हूं बेटा जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, और रिएक्शन के साथ बताऊंगा। चलो रीड कर लेते हैं एक बार, ये आपका मेटल नॉन मेटल चैप्टर और एसिड बेस में कॉमन है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा है, चलो करते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द जिंक रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ देखते हैं बेटा जी। चलो हमारे पास आ गया है जिंक, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा जी। सो आपको यहां ध्यान रखना है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा जो जिंक होता है, अगर जिंक के अलावा यहां पे आपको एल्यूमिनियम भी दे दिया तब भी आंसर बेटा सेम रहेगा, मैं बता देता हूं दोनों के दोनों। अभी आपको सिर्फ एक बताऊंगा, दूसरा आप कमेंट करेंगे फिर बताऊंगा मैं आपको। तो बेटा जी सोडियम जब रिएक्ट कर, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करता है, सो एक कंपाउंड बनता है Na2ZnO2, इसे हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। अब देखते हैं बैलेंसिंग, देखते हैं यहां पे दो ऑक्सीजन हमारे हो गए हैं, सोडियम आ गया हमारे दो, अब क्या बचा बेटा जी देखते हैं, यहां से हमारे हाइड्रोजन रह गए बेटा जी दो, ठीक है, तो यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। सो हमारे देखते हैं सोडियम जिंकेट, तो हमारा सोडियम जिंकेट देखते हैं बेटा जी, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस, सो आंसर बेटा जी आपका रहेगा सोडियम जिंकेट के साथ, हमारा बी ऑप्शन जाएगा। वॉटर नहीं है, ध्यान रखेगा बेटा जी वॉटर नहीं है, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये 10 क्वेश्चन थे, तो 10 क्वेश्चन के लिए कमेंट कीजिए आपको पीडीएफ किस किस को चाहिए, और नेक्स्ट राउंड कौन कौन सा चाहिए, किस चैप्टर का सबसे पहले चाहिए, मतलब मैं आपके लिए बायोलॉजी के लिए भी एक
डायग्राम बेस्ड राउंड लेके आ रहा हूं, उसमें आपको सारे डायग्राम के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।